वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्णवती प्रजदेवी सत्यवती नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पिताजी महाराज सर्वप्रथम पिताजी मध्य गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमाद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग आज श्रवण करेंगे ये श्रील प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का कुछ उपदेश होता है। प्रभुपाद को भक्तों ने अलग अलग समय पर अलग अलग उन लोगों ने प्रश्न किया है और प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिया है। अब देखना भक्ति जगत में बहुत सारी बाधा विपत्ति आती है। अब देखना गंदे काम करने के लिए जाओ कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जब प्रभु का भजन करने के लिए जाओ ना सबके सब हाँ सबके सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, आंगुल लगाते रहते हैं, लेकिन गंदे काम के लिए कोई जगत में बोलते नहीं। इसलिए बोले सत्यम सत्ने न विघ्ना रानी सहस्रे न तथा तप। अगर कोई सच बोलने के लिए जाए तो उसे 100 बाधाएं, अगर कोई तपस्या करने के लिए जाए तो उसे 1000 बाधा, लेकिन जो भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं हैं वहाँ पर तो बाधा ही बाधा देने वाले लोग बाधा ही बाधा देने वाले। कभी यहाँ तक भी जब जी भगवान की भक्ति करके भगवान तक जाना चाहते हैं कभी देवता लोग भी टांग पकड़ कर खींचना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों? बोले ये साधारण जीव होकर के भगवान की भक्ति करके बोलो कि वृंदावन चले जाए, हम उनको जाने नहीं देते हैं। इसलिए भक्त लोगों ने प्रभुपाद का अलग अलग समय पर बहुत सारे प्रश्न किया है, इसलिए जो ग्रंथ हैं ये उसका उत्तर प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिए हैं। हम एक दो प्रश्न उत्तर सुन लेते हैं। इनका किसी भक्त ने प्रश्न किया है अंतर दर्शन की विशेष प्रयोजन। दर्शन दो तरह का होता है, एक होता है अंदर का दर्शन और एक होता है बाहर का दर्शन। कहते क्या भगवान की भक्ति करने के लिए अंदर दर्शन का जरूरत है क्या, किसने प्रश्न किया। तो प्रभुपाद उसको उत्तर देते बोले निश्चय करो, जब तक हम बाहर दर्शन करेंगे हम दुनिया की चीज दिखेगा, लेकिन जब हम अंदर में देखेंगे झांक करके हमें ठाकुर देखेंगे, हमें ठाकुर देखेंगे, बाहर देखोगे दुनिया तक देखोगे। निश्चित रूप में भक्ति करने के लिए अंदर दर्शन का बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो भोग्य दर्शन आकार दर्शन बाहर दर्शन छड़े दिए अंतर दर्शन विशेष दरकार। कहते हैं जब साधारण रूप में बाहर देखते हैं कहते हमारे पांच इंद्रिय हमारे पांच ज्ञान इंद्रिया है। कहते क्या क्या पांच? कहते एक आंखें हैं, ये आंखें हैं, ये हर समय देखना जो आंखें हैं सारी गंदी चीज को इकट्ठे करके अंदर में डालता रहता है। कहते हमारे भगवत भक्ति में अगर सबसे कोई अगर बाधा देने वाले ना ये आंखें हैं, इसलिए हमारे संप्रदाय में संत लोग को हुए हैं वो आंख ही फोड़ दी। बिल्लो मंगल ने वो आँख ही फोड़ दी। आँख क्यों फोड़ दिए? कहते ये हर समय उल्टा सीधा चीज में देखने के लिए, उल्टा सीधा चीज में अच्छे चीज देखे तो अच्छी बात है। संतों का दर्शन करो, भगवान की कथा दर्शन करो, भगवान की दर्शन करो, तभी ये आँख ठीक है। लेकिन जब इन्हीं आँखों से हम गुरु वैष्णव भगवान को छोड़ करके और कोई जब दर्शन करते हुए क्या है ये आँख है ना,
सारी गंदी चीज़ों को देख देख करके अंदर में डालता रहता है। जैसे भजन करने के लिए जाओ, हमारे किस चीज़ की याद आएगा? जो चीज़ को हम देखे होंगे वही चीज़ हमारी याद आएगी, हैं, वही चीज़ याद आएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये आँख हर समय भोग चीज़ को दर्शन करता है। जैसे श्री बिल्लो मंगल, पहले वो एक वेश्या का प्रति आसक्त हो गया था, हैं, वो वेश्या के प्रति वो आसक्ति होकर के रोज उसके पास में उसको जाना ही, अपना पत्नी थी, परिवार था, लेकिन वो वेश्या को प्रति रोज रोज जाता था। एक दिन क्या हुआ, उसको घर में उसको पिताजी शरीर छोड़ दिया, तब उसको अंतिम क्रिया करना पड़ेगा, लेकिन करते 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 हो गया लेट, लेट हो गया तो, लेकिन वो वेश्या के प्रति आसक्त है। अभी हो गया रात, तभी उसको चैन नहीं पड़ा, उसको पास में जाना, रात हो गया, जाएगा कैसे? एक नदी पार करना पड़ता था, तो नदी पार करते हुए गया, जा करके जब देखा वो वेश्या तो दरवाजा बंद कर सो गई, फिर घर में कैसे जाएगा? वो दीवार के ऊपर चढ़ा और वहाँ से छलांग लगाया, जो बड़े जोर से आवाज़ हुई, वो वेश्या का नाम था चिंतामणि, वो जग गई, बोले इतने जोर से आवाज़ कहाँ से हुई? उन्होंने देखा वो बिल्लो मंगल, बोले तू ये नदी कैसे पार किया? बोले एक लकड़ी बह रहा था। लकड़ी कहाँ से? वो दिया जला कर गए लिया, वो लकड़ी नहीं था, वो सब था। एक व्यक्ति मर गया था और उसको पानी में फेंक दिया था और पानी पी पी कर उसका शरीर एकदम फूल जाता है। उसने मतलब वो वेश्या के प्रति इतना आसक्ति हो गया था, वो जो मरा हुआ मुर्दा था ना, उसको समझ लिया ये कोई लकड़ी। फिर तू बोले जी घर में ऊपर चढ़ा कैसे तुमने, दीवार के ऊपर में? बोले कि रस्सी लटक रहा था। वो रस्सी कहाँ से आ गया? दिया जला कर देखे सांप है। वो सांप अगर वो किसी बिल में मुंह डाल देना, उसको आप पकड़ कर निकाल नहीं सकते हो, हैं? उसको सांप को उसने रस्सी समझ लिया और उसको पकड़ पकड़ कर ऊपर में चढ़ा और वहाँ से छलांग लगा। तो लेकिन वो जो वेश्या थी ना चिंतामणि, वो बड़ी सुंदर भजन गाती थी, बड़ी सुंदर नृत्य करती थी, बड़ी सुंदर भजन गाती थी, बजाती थी, और उसको भक्ति का संबंध में ज्ञान भी था उसको, हैं, पहले गीता भागवत रामायण सब पढ़ते थे, उनको पता होता था जीवन भगवान भजन के लिए दिया, बारंबार ये जीवन मिलता नहीं, इस जीवन में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इतने में उसने थुतकारा उसको, बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? तो ये शरीर, शरीर में है क्या चीज़ बताओ? ऊपर में एक चमड़ा ढका हुआ, लेकिन अंदर में क्या है? टाटी पेशाब खून पी के सिवाय शरीर में कुछ है ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं पंचर रचित यह अधम शरीर, कहती है पंचर पांच चीज से ये शरीर बना हुआ। किसमें पांच चीज क्या है? बोले खिति अब तेज मरुत बम, खिति मतलब होता है मिट्टी, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये पांच चीज से बनी हुई। और किसका पेट यहाँ फाड़ कर रख दो ना, कोई बैठा है ना, सो भाग जाएगा यहाँ से, तो पेट में इतना गंदगी है। लेकिन वो ऊपर से एक चमड़ा ढका हुआ ना, एक चमड़े से ना यही सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में कुछ है ही नहीं, अंदर में कुछ भी नहीं है। तो उसने इसको थुतकारा, शर्म नहीं आता है? तो ये गंदी शरीर में इतने आसक्ति, इतने तो आसक्ति, अगर इसका 1% जितना मेरे प्रति आसक्ति, उसका 1% अगर तुम भगवान की भजन में लगाते हो तो बड़ा ही पार हो जाता है। तुम मरा हुआ शरीर को तुम समझ लिया लकड़ी और सांप को समझ लिया रस्सी, तेरे को शर्म लगनी चाहिए। ऐसे उसको थुतकारा ना, उसको एकदम ज्ञान हो गया, उसकी थुतकार से उसको ज्ञान हो गया। कहते तो सही बता रही हूँ मैं, कहाँ भगवान का प्रति आसक्ति होनी चाहिए, कहाँ टाटी पेशाब थाली का प्रति में आसक्ति हो गया। छोड़ा उसको, बोला और नहीं, छोड़ कर भजने के लिए चल पड़ा। जब चल पड़ा लेकिन प्यासा लगा, एक कुएं में पानी पीने के लिए गया, कुछ माताएं वहाँ पर पानी भर रही थी, उसमें के सेठानी थी, देखने में थोड़ी सुंदरी थी, फिर वो सेठानी को प्रति देख लिया ना, फिर आसक्त हो गया। आसक्त होकर उसको पीछे 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 फिर चला, जब पीछे पीछे चला वो डर गई, ये बाबा मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? वो जाकर घर 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 के अंदर घुस गई, और इतने में वो बाबा जाकर दरवाजा खड़े हो गए, उसका पति आया, आकर देखा दाढ़ी जटा जुटधारी एक साधु बाबा। बोले बाबा तुम्हें क्या चाहिए? बोले फिर अपना पत्नी को बुला लो। उसने बोला बोले इधर आ जा। बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, वो मेरे कुआ से पीछा कर रहा है, मैं नहीं जाऊँगी। बोले मैं हूँ ना संत है, आओ कोई बात नहीं आ जाओ। पत्नी आई, बोले क्या चाहते हो? बोले पहले देखना माताएं जो केस होता था ना उसको खोपा खोपा बनाया करते थे और उसमें जुड़ा बनाते थे, और उसमें देखना जो कांटा है ना
जो कांटा से खोपे को कांटे से क्या बोलते थे, कांटे से लगा देते थे, इसलिए वो जुड़ा बना हुआ रहता था, इधर उधर ना हो। बोले तुम्हारी पत्नी की जो केस में जो दो कांटे दे दो, उनको पता नहीं चला ये कांटा क्या करेगा क्या। इतने में उसने कांटा निकाल कर दे दिया, दे दिया था उनको सामने है ना, दोनों आँखों में कांटा ही फट गया और उसको आँख से आंसुओं की झरी बहने लग गई। उन्हें बोला हाय, वो हाहाकार करने लग गई। बोले बाबा ने क्या किया, बाबा ने क्या किया। बोले कहाँ मैंने संसार छोड़ करके, वेश्या के प्रति आसक्ति छोड़ करके कहाँ मैंने भजने करने के लिए आया, ये आँख इतना दुष्ट है, फिर गंदी चीज को देखकर फिर आसक्ति हो गया, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये आँख जितने गड़बड़ी करने वाले हैं, इसलिए आँख ही फोड़ दिया। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे हो जाता है आँख ऐसे, इसलिए क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं ना, फिर उसी का प्रति हमारी आसक्ति होता है, हैं आसक्ति होता है, फिर उन्हें आँख फोड़ दिए, वृंदावन में चल पड़े। कहाँ हमारे कृष्ण, कहाँ कृष्ण, कृष्ण का नाम लेकर चल पड़े, वृंदावन जाऊँगा, कृष्ण का भजन करूँगा। आँख तो अंधे हो गए, देख नहीं पा रहे, कृष्ण खुद आ गए। जो भगवान को ढूंढते हैं ना, ठाकुर भी उनको भी ढूंढते हैं। भगवान कहते मेरे तरफ में एक कदम बढ़ा, मैं तुम्हारे तरफ पर 10 कदम बढ़ाऊंगा। ठाकुर स्वयं आ गई और वो डंडा टेक कर रहा था। बोले बाबा कहाँ जाओगे? बोले वृंदावन जाऊंगा। बोले मैं भी वृंदावन जाना चाह रहा हूँ। बोले तुम भी वृंदावन जाओगे? बोले हाँ। बोले थोड़ा मेरे लपटी को पकड़ लो, डंडे को पकड़ लो। बोले चलो। ठाकुर जी स्वयं उनको पकड़ करके वृंदावन ले आए, ठाकुर जी ले आए, ला करके जहाँ कालियाधा है ना, वहीं पर उन्होंने बैठ करके उन्होंने भजन किया। भजन करते करते भगवान के नाम को लेते लेते जब उनका हृदय एकदम साफ हो गया, आँख में तो कोई दिख नहीं रहा है, हैं बास के बोले प्रभु को याद करता है, प्रभु को याद करते 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 जब उसका हृदय निर्मल हो गया, अभी ठाकुर और राधा रानी दोनों आए दर्शन देने के लिए। अभी तो उनको तो दिख नहीं रहा है बंद, इसलिए उनको तो कुछ दिख नहीं रहा है, हैं दिख नहीं रहा है। अभी राधा कृष्ण दोनों आए, आ करके ना राधा रानी उसको सुना सुना करके बोल रहे हैं, उसको बिल्लो मंगल को वो क्या सुना करके बोल रहे हैं। बोले देखो कृष्ण को, बोले देखो बाबा अंधे हैं, बड़ा बाबा बड़े गड़बड़ी आदमी है, वो अगर एक बार पकड़ लेगा ना छोड़ता नहीं, इसलिए उनको पास में मत जाया करो। मतलब राधा रानी ये उनको तो दिख नहीं रहा है, राधा रानी इनको सुना सुना कर कह रहे तेरे सामने ठाकुर जी खड़े, उनका चरण पकड़ लो, उनका चरण पकड़ लो। इसे राधा रानी कहती हैं देखो बाबा बड़े गड़बड़ी आदमी हैं, अगर एक बार प्यार पकड़ लगा छोड़ता नहीं, मतलब उसको कह रहे जल्दी पकड़ो ठाकुर सामने खड़े हैं। इतने में तो उन्होंने क्या किया, बस पकड़ लिया कृष्ण को। जब पकड़ लिए इतने में कृष्ण कहता अरे छोड़ो छोड़ो मेरे को छोड़ दो मेरे को छोड़ दो। बोले मैं छोड़ने वाले नहीं हूँ आपका चरण को, मैं छोड़ने वाले नहीं। फिर इतने में फिर ठाकुर जी ना उनको आँखों के ऊपर वैसे हाथ घुमा दिया, घुमा दिया तो फिर उनको दिव्य चक्षु निकल करके आ गया। फिर उन्होंने दोनों को प्रिया प्रियतम के सामने उन्होंने दर्शन किया है, हैं दर्शन किया है। बोले ठाकुर जी जैसे हर समय आपका हृदय में दर्शन में जैसे मैं करते रहूं, तो वहां पर कहते देखो तुम तो प्यार छुड़ा करके जा सकते हो, लेकिन तुमको जो मैंने देख लिया ना, मेरे हृदय में तुम्हारी फटो उठ गया, मेरी तुम्हारी झांकी में हृदय में मैंने फटो उठ गया। आप भले ही ऊपर से जा सकते हो लेकिन हृदय से क्या जा सकते हो, मेरे हृदय से तो नहीं जा सकते हो, इसलिए तभी मैं तुमको बलवान मानूंगा अगर मेरे हृदय से अगर तुम जा सकते हो। ऊपर से जाओ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हृदय से तुम अभी आपको हृदय में कैद करके रख लिया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते तुमको अंतर दर्शन करना पड़ेगा, बाहर का दर्शन नहीं। बाहर दर्शन हो तो हमारे इंद्रिय इधर उधर भागते रहेगा। इसलिए ये स्मार्टफोन फाटफोन जो निकला है ना, बड़ा गड़बड़ी चीज़, बच्चों को इतने गड़बड़ी रास्ता में क्यों जा रहे हैं, स्मार्टफोन देख करके उल्टा पुल्टा चीज को देख देख करके इनका बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाता है, हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसलिए बहिर दर्शन नहीं करके अंतर दर्शन करो। अंतर दर्शन मतलब जो हृदय में जो भगवान तुम्हारे बैठे हैं उनका दर्शन करो। इसलिए कहते भोग्य दर्शन, आकार दर्शन, हैं किसी चीज का आकार दर्शन, बहिर दर्शन छोड़कर क्या करो, अपना अंतर दर्शन करने का जरूरत है। अंतर में श्री ठाकुर जी हृदय में बैठे हैं, अंतर दर्शन ना हो ले बहिर्दर्शन था कि भाई कह देखो मन तो एक ही है, मन तो दो है ही नहीं, मन हमारी एक ही है, मन दो नहीं
हैं। इसलिए मन से क्या करना पड़ेगा, अगर तुम अंतर दर्शन करोगे, भगवान की भक्ति, भगवान के भजन करोगे, फिर तुमको समय नहीं बाहर चीज़ पर देखने के लिए। इसलिए एक उदाहरण देते हैं, जैसे आपको प्यार में कांटा चुभ गई, अभी जो कांटा चुभ गई उसको निकालने के लिए क्या जरूरत, और एक कांटा की जरूरत है, हैं। फिर क्या करते, दूसरे कांटा ला करके प्यार को कांटा को निकाल करके फिर दोनों को हम फेंक देते। इसलिए कहते हृदय में हमारी एक कांटा चुभ गई, बोले किस चीज की, बोले माया की कांटा चुभ गई, ये माया की कांटा चुभ गई। बोले भैया वो कांटा को निकालेंगे कैसे, बोले दूसरे कांटा ला, दूसरे कांटा लो, कांटा को निकालो। बोले इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब है जब हमारे समय मिलता है ना, उस समय क्या होता है, हमारी मन इधर उधर भागता है। लेकिन तो क्या करना है, जैसे हमारे गोस्वामी लोग क्या करते थे, बोले संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसा निकृतो निद्रा आहार विहार का दिविजितो चात्यंत दीन चजो राधा कृष्ण गुण स्मृतेन मधुरिमान सन्महितो वंदे रूप सनातन रघु युगो श्री जीव गोपाल को। बोले छह गोस्वामी कैसे भजन करते थे, हैं। बोले संख्या पूर्वक नाम, हम रोज इतना हरिनाम करना है, हैं, हमें इतना रोज हरिनाम करना। फिर नाम बोले गान, रोज जैसे हम सबेरे कीर्तन कर रहे थे, नति भी सारे संतों का नाम लेकर के, जैसे हम लोग सबेरे जय ध्वनि देते हैं ना, जय श्री श्री गुरु गौरांग धर्विका गिरधारी राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मन जी को जय। वो क्या करते, रोज 1000 बार संतों का नाम लेते थे, लेकर के ना एक बार साष्टांग प्रणाम करते थे संतों का नाम लेकर, फिर खड़े हो जाते थे, फिर एक बार फिर संतों का नाम लेकर फिर साष्टांग, ऐसे 1000 बार करते थे, ग्रंथ अध्ययन करते थे, दिन रात प्रभु का भजन में डूबे रहते थे। जब तुम्हारी समय प्रभु का भजन में चला गया, फिर तुम्हारी समय है नहीं फिर दूसरे चीज को चिंता करने के लिए। जब समय हमारे रहता है फिर ये मन क्या करता है, फिर दूसरे चीज की चिंता करता है। अगर तुम्हारी रूटीन बना दिया, ये समय में ये करेंगे, इस समय में ये करेंगे, इस समय में ये करेंगे, फिर तुम्हारी समय है ही नहीं, फिर तुम्हारे मन इधर उधर जाए। इसलिए क्या करो, जो कांटा माया की कांटा जो चुभ गई, उसको निकालने के लिए दूसरे कांटा लाओ। दूसरे कांटा मतलब होता है भक्ति का नियम बनाओ, भगवान की भक्ति की, भक्ति के नियम बना दो, पर नियम बना दो, समय है ही नहीं तुम्हारी इधर उधर देखने के लिए, हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अंतर दर्शन हईले बहिर्दर्शन थाकिबे ना, जब तुम्हारे अंतर दर्शन करने लग जाओगे, हर बाहर दर्शन तुम्हारे समय नहीं इधर उधर करने की। इसलिए बहिर्दर्शन तो माया दर्शन, खामेर अभ्यंतरे चिठीर विषय उद्गीर भी हईले बाहर खांबा खाना देखबार आर अवसर थाके ना। जैसे प्रहलाद महाराज को उसके पिताजी ने बोला, उसको जो प्रश्न करते थे, बोलो सबसे उत्तम विद्या क्या है, क्योंकि हिरण्यकश्यप क्या चाह रहा था, हैं, उनको 4 बेटे थे, लेकिन ये प्रहलाद महाराज सबसे बुद्धिमान, सबसे चतुर बुद्धिमान। बोले क्यों बुद्धिमान था, बोले जय जन कृष्ण भजे से बड़े चतुर, कि जगत में सबसे बड़े बुद्धिमान कौन, जो भगवान की भजन करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं ना जगत में, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान उनको मानी जाती है, जो भगवान की भजन, और जो भगवान की भजन करे ना, ठाकुर कहते ददामी बुद्धि जोगम तम, हमारे बुद्धि देने वाले करो ठाकुर जी, तुम ठाकुर का नाम करो, भक्ति करो, बुद्धि देने वाले ठाकुर ही है, बुद्धि देने वाले ठाकुर है। इसलिए क्या करनी चाहिए बच्चों, इसलिए स्कूल जाने से पहले एक माला लेकर के एक माला जप करके जानी चाहिए, एक माला जप करके स्कूल जाओगे ना, देना पढ़ाई में तुम्हारी बढ़िया पढ़ाई होगी तुम्हारी, क्योंकि बुद्धि तो देने वाला ठाकुर है ना, वही तो बुद्धि रूप में बैठे हुए, समझ रहे हो। इसलिए जब स्कूल जाओ, खाने से पहले भोजन करने से पहले एक माला जप करके जाना, ठीक है, इनको पिता माता, बच्चे जब स्कूल जाएंगे बोल देना एक माला जप करके जाओ, हैं, ठीक है बच्चों, जैसे तुमको बोलने का जरूरत नहीं, एक माला जब कर लेना, मैया को बोलना मैया अभी एक माला हमारी हो गई, हमें अभी भोजन दो, प्रसाद दो हमें, ठीक है ना, मैया को बोलना नहीं जरूरत नहीं, अपनी आप एक माला करके जाना, ठीक है ना। आज जब जाओगे एक माला जब करके तब जाना स्कूल में, क्योंकि बुद्धि देने वाला ठाकुर जी है, अगर उनका नाम लेकर जाओगे तो तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि होगा, पर भजन में तुम्हारी मन भी भजन में लगेगा, ठीक है ना, हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, जैसे वो प्रहलाद बड़ा बुद्धिमान, क्यों, बोले जो भगवान की भजन करते हैं ना वो सबसे बड़े बुद्धिमान होते हैं, ठाकुर उनसे सबसे बड़ा इंटेलिजेंट उनको ठाकुर बनाते हैं। हमारे जो बड़े गुरु जी का जो शिष्य लोग हैं ना, हम सारा दुनिया जाते हैं, इधर आ जाओ। इसलिए जब हमारे बड़े गुरु जी का जो शिष्य है,
हम जहाँ जहाँ जाते हैं प्रभु जी सब जगह में हम पूछते हैं, क्लास में टॉप आते हो, क्लास में टॉप है सब जगह में हम देखते हैं, क्लास में सबसे बढ़िया नंबर उनकी आता है, हमारे बड़े गुरु जी का शिष्यों को जो पढ़ते हैं। और जो वेजिटेरियन बनते हैं ना उनको तो बहुत ज़्यादा बुद्धि तीक्ष्ण, बहुत ज़्यादा उनको तीक्ष्ण बुद्धि होता है, हैं। इसलिए उनका प्रहलाद को उनने जो बुद्धि को देखा, क्या तीव्र बुद्धि, तब फिर न कसम ने सोचा इसी बच्चे को ही मैं राज सिंहासन में इसको ही बैठाऊंगा, हैं, इसको ही बैठाऊंगा। इसलिए उसको बढ़िया से पढ़ाया करता था, बोले उसको अच्छे तरह से ट्रेनिंग दो कैसे राज सिंहासन को संभालेगा। लेकिन वो तो बचपन से माँ की पेट में रहते समय, नारद जी तो भगवान की कथा सुनाया करते थे, उसकी माँ की पेट में रहता था, वो माँ की पेट में बैठ बैठ कर कथा सुनते सुनते वो ज्ञानी हो गया। तो फिर जब बच्चों को उन्होंने जब उनको पिताजी ने जब पूछा, बताओ जगत में जितने विद्या में सबसे बड़ा विद्या किया है, तो उन्होंने बोले पिताजी जगत में सबसे बड़ा विद्या है श्रवणम, भगवान की कथा सुनो, कीर्तनम भगवान का कीर्तन करो, स्मरणम उनकी चिंतन करो, भगवान की चरण की सेवा करो, भगवान को साथ में मित्रता बनाओ, भगवान को अपना प्रभु मानो, प्रभु की चरण में आत्मसमर्पण करो, जितने विद्या में ये सर्वश्रेष्ठ विद्या, इससे बड़ा विद्या जगत में कुछ हो है नहीं। लेकिन हिरण्यकश्यप को तो बड़ा क्रोध आया, इसका बुद्धि किसने बिगाड़ दिया, वो राक्षस है ना, अगर अभी भी पहले तो एक राक्षस था, अभी घर घर में राक्षस हो गए, पहले तो एक राक्षस था, हैं, इसलिए हाँ एक राक्षस था, अभी घर घर में राक्षस हो गए सब के सब। अगर बच्चे अगर प्रभु का भक्ति भजन करे ना, बोले बुद्धि किसी ने बिगाड़ दिया। लेकिन शराब पिए तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, बीड़ी फूंके तो बोले खुद बढ़िया बेटा, तो बड़ा एडवांस कर रहे। लेकिन अगर प्रभु का भजन में जाए ना, भक्ति में गाए, तेरे बुद्धि किसी ने बिगाड़ी, हैं, अभी से क्या भगवान का नाम जप कर रहे हो, अभी से क्या भक्ति कर रहे हो, हैं, ये सब हिरण्यकश्यप का सब डाल सबके सब, हैं, हाँ अभ्यास करने का समय है, समझ रहे हो, ओ हिरण्यकश्यप बिगड़ गया, तेरी बुद्धि किसने बिगाड़ा है, तुम भगवान की भक्ति के बारे में क्या बोलते, भजन के बारे में क्या बोलते। उसको बड़ा क्रोध आया, फिर जब उनको फिर गुरुकुल में फिर जब भेजा, फिर उन्होंने बच्चों को ना ऐसे शिक्षा पट्टी पढ़ाई, बच्चों को इतने बढ़िया शिक्षा दिया, बच्चे बोलते चलो हम खेलेंगे, प्रहलाद ने कहा आज एक नया खेल खेलेंगे, बैठो मेरे साथ में, हे बच्चे खुश हो गए, नया खेल, क्या नया खेल, रोज तो एक ही खेल खेलते हैं। प्रहलाद बीच में बैठ गए, सारे बच्चों को बैठा दिया, तो चलो हम भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की भजन करते हैं। जो साधारण लोग जैसे प्रश्न करते हैं ना, अरे भजन तो बुढ़ापा में करते हैं, अभी तो बचपन में क्या कह रहे हो, अभी तो लिखाई पढ़ाई करेंगे, उसके बाद में फिर नौकरी चाकरी करेंगे, फिर उसके बाद में शादी सुविधा करेंगे, फिर बच्चों को जन्म देंगे और उनको शादी कराएंगे, करते करते जब बूढ़े हो जाएंगे ना, कोई काम नहीं रह जाएगा, फिर एक दो मलाम कर लेंगे, सटका लेंगे। अभी से तू क्या बोल रहे हो भगवान के हरिनाम करने के लिए, ये बचपन से क्या करते हो। देखो प्रहलाद क्या कहते हैं, कहते कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवता निह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। देखो क्या बोलते हैं, बोले भगवान की भक्ति तुम लोग सुनो अच्छे ठीक से, बच्चों को भी बोलना, बोले भगवान की बच्ची भक्ति बचपन से करनी चाहिए। बोले कितने उम्र से, बोले 5 साल से। बोले 5 साल से, 5 साल से क्यों करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे करेंगे। प्रहलाद कहते हैं तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड है, इतना दिन जिंदा रहोगे, अभी कोरोना में कितने लोग चले गए, कितने लोग मर गए, किसको पता था कोरोना में हम मर जाएंगे, हैं। बोले अगर उसको पहले ही खत्म हो गया तो, बोले तो अगली जीवन में करेंगे। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्मम, ठाकुर जी ये जीवन को बारम्बार नहीं देते हैं, ये तो 84 भ्रम के ये नरतनु दे, ये तो 84 लाख जन्म के बाद में एक बार मिला, ये जीवन सहज में नहीं मिलता है। इसलिए बच्चों जितने जल्दी से जल्दी हो प्रभु का भजन करो। बोले बचपन से क्यों भक्ति करनी चाहिए, तुम भी सुन लो, बच्चों को बोलना, बोले बचपन में क्यों करनी चाहिए, तुमने 3-4 उदाहरण दिया। देखो पहला उदाहरण दिया, जब मिट्टी कच्चा रहता है, कच्ची मिट्टी है, आप देखना उसमें जो कुछ बनाना चाहो वो बन जाएगा, लेकिन मिट्टी जब पक जाती है फिर उसमें कुछ चीज़ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। जब कागज कोरे कागज हो ना, उसको ऊपर में जो लिखोगे वो तो लिख जाएगी, लेकिन जिस कागज पेपर में एक बार लिख गया उसको ऊपर 2 बार लिखोगे तो फिर लिखा जाएगा, देखेगा दिखेगा नहीं, हैं। जैसे फूल,
जब खिला हुआ रहता है, ताजी रहती हैं, उसको तो हम ठाकुर के चरण में चढ़ा सकते हैं, लेकिन फूल जब सूख जाए वो फिर ठाकुर के चरण में चढ़ता है और चढ़ता नहीं है। इसलिए जैसे बांस, जब कच्चा बांस रहता है ना, उसको जिधर टेढ़ा करना तो टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन बांस जब पक जाती है वो टेढ़ा नहीं, वो टूटेगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा वो है। इसलिए जैसे छोटा पौधा जब एक जगह से उखाड़ कर दूसरे जगह में लगाओ जम जाएगी, लेकिन पौधा जो बड़ा हो जाता है ना, उसको उखाड़ कर कहीं लगाओ नहीं लगेगा। जैसे तुम लोग छोटे बच्चे हो, पढ़ने के लिए जाते हो ना, तुमको जो कुछ एक बार याद करा देते झट याद हो जाता है। इनको बोलो कोई चीज़ याद करो, भले ही जितना रटते रहे, जितने रटते रहे, एकदम याद नहीं होगा। क्यों? ये पक गए, पक गया है, हैं। इसलिए कहते भगवान की भक्ति भी बचपन में जब सरल मन रहता है, वो सरल मन को द्वारा जब प्रभु की भजन करते हैं, ये मन अपने आप प्रभु का भजन में लग जाता है, उसका छाप पड़ जाती है, छाप पड़ जाती है। फिर जब बड़े बूढ़े हो जाए ना, वो पक गए, फिर उनसे कुछ नहीं होगा फिर, हैं। इसलिए भक्ति बचपन से करनी चाहिए। उन्होंने एक प्रहलाद था, सबको प्रहलाद बना दिया। बोले प्रहलाद तो बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हो, बड़ी प्यारी प्यारी बात करते हो। प्रहलाद ने कहा देखो बच्चों, हम जीवन में क्या चाहते हैं? दुख जाए और सुख आए, यही तो चाहते ना, दुख जाए सुख आए। तब उन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाए, बोले बताओ जगत में कौन दुख को निमंत्रण देता है? घर में कोई निमंत्रण देता है हमारे घर में दुख आए? कोई नहीं देता है। लेकिन बिना बुलाए दुख आता कि नहीं? आ जाता है ना, बिना निमंत्रण के आ जाता है। इसलिए कहते भाग्य में अगर सुख लिखा हुआ होगा ना, वो बिना बुलाए आएगा तुम्हारे घर में, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ पर लिख गया है, जो भाग्य में है वो तुमको आएगा। इसलिए उसके लिए ज़्यादा चेष्टा मत करो। वो कहते हैं जो जीवन में सुख भगवान की भक्ति को द्वारा जैसे जीवन में सुख शांति मिल सकता है, जगत में और कोई उपाय नहीं जो कि और किसी उपाय को द्वारा भगवान जीवन में शांति मिले। अगर जीवन में कभी शांति सुख मिलेगा तो भगवान की भक्ति से ही मिलेगा, और किसी को द्वारा जीवन में शांति सुख नहीं मिलेगा। जितने सारे पैसा इकट्ठे कर लो, जितने स्त्री इकट्ठे कर लो, जितने भोग का विषय इकट्ठे कर लो, शांति मिलने वाली नहीं। शांति तो मिलेगी भगवान की भक्ति से, तत्प्रसादात पराम शांति, भगवान के आशीर्वाद से ही शांति तुमको मिलेगा, और इसका कोई उपाय नहीं। इसलिए बच्चों क्या करो, भगवान की भजन करो, भक्ति करो। एक प्रहलाद था, उन्होंने सबको प्रहलाद बना दी है, सब बच्चे सब भगवान की भजन करने लग गए। हाँ, एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हिरण्यकश्यप देखा, बोले भगवान ये बीमारी तो बड़ी जल्दी जल्दी फैल रहा है ये बीमारी। गांव में एक तिलक कंटीधारी हो जाए, झट उनका एक ग्रुप बन जाता है, झट उनका ग्रुप बन जाती है। बोले बीमारी तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बोले अभी से बीमारी को खत्म करनी चाहिए। ए हिरण्यकश्यप क्रोध आ गया, बोले बताओ तेरे भगवान कहाँ है? बोले तेरे भगवान को दिखा करके फिर तेरे को दिखाओ, बताओ तेरे भगवान कहाँ? प्रहलाद ने क्या बताया? बताओ मेरे भगवान है ही नहीं, कहाँ तो बताओ, मेरे प्रभु तो सब जगह दिख रहे हैं। बोले यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी। बोले मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? बोले पिताजी आपका जो आँखें है ना, उसमें काम क्रोध लोभ का उसमें आंजन लगाए हो, काजल लगाए, इसलिए तो आपको नहीं दिख रहा है। भगवान तभी दिखेंगे जो आँखों में प्रेम रूपी आंजन लगाओगे, हैं। बोले तो बड़े बड़े बात करते हो, हैं, बड़े बड़े बात करते हो, अब भी दिखाता हूँ तेरे प्रभु को। वो जो खंभा था ना, बोले इसमें क्या आप ठाकुर जी है? बोले मेरे को दिख रहा है ठाकुर जी, सचमुच से उनको दिखा, भगवान साक्षात दिखे, भगवान बैठ कर वहाँ पर भगवान मुस्कुरा रहे वहाँ पर दिखे। इतने में हिरण्यकश्यप तो एक मुष्टि का घात मारे खंभे में, मारे तो खंभा फट गया और साक्षात ठाकुर जी नरसिंह देव रूप, साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय। इसलिए भगवान सब जगह में है, भगवान सब जगह में है, ठाकुर सब जगह में है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद यही कह रहे हैं, कहते उद्गल बाहर खाम्बर देखे बार और अवसर था के ना, है खाम्बा खाना। इसलिए जब हम सब जगह में ठाकुर को दर्शन करते हैं ना, जैसे हिरण्यकश्यप ने क्या बोले, ये खंभे में क्या भगवान है? लेकिन उसको दिख रहा था खंभा, किसको? हिरण्यकश्यप को खंभा, लेकिन प्रहलाद को क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा था? भगवान दिख रहे,
हैं, उनको ठाकुर जी दिख रहे थे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं विश्व के भगवत सेवक रूपे दर्शन हैले हमारे बहिर दर्शन ठाकुर ना। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, कहते जब हम हर चीज को हैं, कहते जब हम हर चीज को भगवत दर्शन रूपे दर्शन करेंगे, जैसे पैसा कमा रहे हो, बोले क्यों पैसा कमा रहे हो, बोले पैसा के बगैर ठाकुर का सेवा कैसा होगा, बस भगवत दर्शन हो गया। रोसे ही बना रहे हो, बोले किस लिए, बोले ठाकुर को भोग लगेगा, दर्शन हो गया, भगवत दर्शन हो गया। घर में झाड़ू लगा रहे हो, बोले कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, बोले भगवान का मंदिर है, घर नहीं भगवान की मंदिर। जैसे बच्चों को प्यार करते हो, बोले बच्चा कौन, बोले ठाकुर ने बच्चा दिया है, ठाकुर ने बच्चे दिए, ठाकुर के बच्चे, ये बड़े होकर के ठाकुर के भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए स्नान कर रहे हो, बोले क्यों, बोले अच्छे कपड़े पहने रहे, बोले क्यों, बोले अच्छे कपड़े पहने के ठाकुर की सेवा करेंगे ना गंदे कपड़े से। इसलिए यहाँ पर कहते जब ये चीज को तुम्हारी दर्शन होने लगी, हर चीज में जब भगवत दर्शन हो जाएगा, बहिर्दर्शन खत्म, बहिर्दर्शन तुम्हारी खत्म। इसलिए क्या करना, हर चीज को भगवान से जोड़ दो, किस चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, क्या करो हर चीज को भगवान के साथ में जोड़ दो, बस हो गया, यही भक्ति, और भक्ति और कुछ है ही नहीं, भक्ति यही है, हैं भगवान। इसलिए विश्वेर सर्वत्र ही भगवान विराजित, प्रत्येक हृदय भगवान बसति सब। कल जगत में ऐसे कौन सा स्थान नहीं जहाँ पर भगवान नहीं है, सभी के हृदय में परमात्मा, सभी के हृदय में। इसलिए बोले जीव रे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सब जीव को सम्मान देनी चाहिए, क्यों, सभी का हृदय में किसका निवास है, ठाकुर जी का ही निवास, सभी का हृदय में भगवान ठाकुर रूप परमात्मा रूप में ठाकुर ही बैठे हुए हैं। हमारे हृदय मंदिर भगवान सतत अवस्थान करते चैन, हमारे हृदय शरीर क्या है, ये भगवान का मंदिर है, शरीर भगवान की मंदिर है। जैसे मंदिर के अंदर में ठाकुर बैठते हैं ना, ये शरीर रूपी मंदिर के अंदर में कौन बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं अंदर के अंदर में। इसलिए आमा के सेवा सुजोग प्रदान करिवार जन्ने यही चिंता बा दर्शन प्रबल हैले आत्मवत मन्यत जगत न्याय सर्वत्र इष्ट दर्शन हैवे। कहते आमा के सेवा सुजोग प्रदान करिवार जन्ने हैं यही चिंता बा दर्शन प्रबल हैले, जब हमारे हृदय में ये भावना दर्शन प्रबल, कौन सा दर्शन है, कहते भगवान हमें सेवा सुख, भगवान हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं, ठाकुर हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए। तो कहते आत्मवत मन्यत जगत, कहते ना कहते तुम्हारी, तुम जैसे भावना होगी, कहते जिस जैसे रही भावना, जैसी हरि मूरत देखे तिनी तैसी, तुम्हारे हृदय में जैसे भावना होगा देना तुमको वही दिखने लग जाएगी। अगर तुम ये भावना होगा भगवान सभी के हृदय में भगवान रूप में बैठे हैं, सबके सब भगवान का स्वरूप है, भगवत दास है, भगवान का सेवक है, तुमको फिर सारा दुनिया भगवान भगवान दिखेगा। अगर हृदय में अगर गंदी चीज रहेगा तो फिर कहते ना कामों को पसंद है कामनी में जगत, जो कामों को सारा दुनिया अपना भोग का विषय दर्शन करता है, और जो भक्त क्या दर्शन करता है, सभी का हृदय में ठाकुर जी की, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। तखन आर बहिर दर्शन इतर दर्शन लघु दर्शन विश्व दर्शन ठाकुर ना, उसी समय किया, और बाहर का दिस चीज नहीं दिखेगा, दूसरे चीज नहीं दिखेगा, छोटा जिस नहीं दर्शन करेगा, ये दुनिया चीज और कुछ नहीं देखेगा, उसको सारा दुनिया में क्या देखेगा, बोले तखन ही विश्व पूर्ण सुखायते, उस समय देखेगा सारा दुनिया आनंद ही आनंद है, सारा दुनिया में सब भगवान की भक्ति कर रहे, सब भगवान की भजन कर रहे, सारा दुनिया भगवान भगवत भगवत भक्तिमय, और सारा दुनिया सुख पूर्ण सुख, सब दुनिया आनंद ही आनंद है सारा दुनिया में, तब ये सब चीज हमें दिखने लग जाएगी। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि वाचा कलुतर वैस कृपा सिंधु भाई बच्चा पिता नाम पावन भो वैष्णव। हाँ कथा यही रख लेते हैं, ठीक है।